हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन इंटरनेशनल एकेडमी ड्राइंग क्लास। मैं हूं आपका आर्ट इंस्ट्रक्टर सागर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ड्राइंग क्लास। आज हम स्प्लैशेस आर्ट एंड क्राफ्ट बुक नंबर 6 में ड्राइंग बनाएंगे। बुक में आपको पेज नंबर 18 एंड 19 ओपन करना है, जिसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो ड्राइंग है वो है स्टिल लाइफ यूजिंग ऑयल पेस्टल कलर्स। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे पेज नंबर 18 पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कलर्ड स्टिल लाइफ हमें करके दिया है, जिसमें हमें एक कॉपर का जग दिखाई दे रहा है, एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं और क्लॉथ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे बैकग्राउंड पे आपने देख सकते हो कि यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर किया है और जो बेस में है वहाँ पे भी कलर किया गया है। जो जग है वो है कॉपर का जग, इसलिए वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ पे लाइट आ रहा है। वैसे ही एप्पल पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं है। जो ग्लॉसी चीज़ें होती है वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। तो रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे वाइट छोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आप वाइट नहीं देख सकते। ऑब्जेक्ट ड्राइंग में लाइट एंड शेडो का महत्व बहुत होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, इसीलिए यहाँ पे लाइट दिखाया गया है और यहाँ पे मीडियम और बाद में डार्क। यहाँ पे लाइट, मीडियम और इस साइड में आप देख सकते हो डार्क। डार्क के साइड में होती है रिफ्लेक्शन। आप यहाँ पे ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन देख सकते हो, यहाँ पे वाइट रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ऑयल पेस्टल से हमें कलरिंग कैसे करनी है। पेज नंबर 19 पे आप देख सकते हो कि एक स्केच बनाया हुआ है जिसमें हमें कलरिंग करनी है। सबसे पहले हम कॉपर के जग को कलर करेंगे, जिसके लिए मैं ऑरेंज, ब्राउन और ब्लैक ऑयल पेस्टल्स का यूज़ करूँगा। ऑरेंज फॉर लाइट, ब्राउन फॉर मीडियम एंड ब्लैक फॉर डार्क। सबसे पहले हमें ऑरेंज से बेस टोन फिलअप कर लेना है। ऑब्जेक्ट में हमें बॉर्डर करनी नहीं होती, इसलिए हमें पहले से ही केयरफुली कलरिंग करनी है, बाहर जाने नहीं देना है बॉर्डर के। इस तरह से हमें स्लोली स्लोली पहला जो लाइट वाला टोन है वो कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आपको लाइट टोन फिलअप कर लेना है। इसके बाद हम पेपर को ऐसे फोल्ड करके कलर को मिक्स करेंगे। सी, ऐसे पेपर को फोल्ड किया है हमने, अभी हमें है कलर को मिक्स करना है। मिक्स करते वक्त आपका कलर बॉर्डर के बाहर ना जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ पे भी आपने ये कलर किया है वहाँ पे आपको अच्छे से ये मिक्सिंग कर लेनी है सभी जगहों पे। मिक्सिंग हो जाने के बाद हम मिडल टोन ब्राउन से फिलअप करेंगे। इस प्रकार हमने मीडियम टोन ब्राउन से फिलअप कर लिया है, इसे भी हमें मिक्स कर लेना है, मर्ज कर लेना है अच्छे से। अब हम लाइट के पास येलो की थोड़ी शेड ऐड करेंगे। येलो की शेड देने के बाद हम अभी डार्क पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे डार्क आएगा।
आपको ये बहुत ही स्लोली करना है, बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बॉर्डर के बाहर गया तो ये जो शेप होता है, आउटलाइन जो हमने की है, वो बिगड़ जाएगी और आपका ड्राइंग अच्छा नहीं दिखेगा, परफेक्ट नहीं लगेगा। डार्क का टोन फिलअप करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब हमें बैकग्राउंड में लाइट ग्रीन कलर फिलअप करना है। कलर्स का पॉइंट यूज़ करना है आपको, दूसरे शेप में नहीं जाना चाहिए। ऑयल पेस्टल में यही प्रॉब्लम होता है कि आपके कलर्स को पॉइंट नहीं होता है, इसलिए आप जो जगह शार्प हो, छोटी छोटी जगहों पे आपको केयरफुली करना पड़ता है। इस प्रकार से लाइट ग्रीन कलर फिलअप करने के बाद हमें वहाँ पे डार्क ग्रीन कलर भी फिलअप करना है। इस प्रकार बैकग्राउंड फिल करने के बाद हम बढ़ेंगे एप्पल की तरफ। एप्पल को कैसे कलर करना है वो देखेंगे। पहले हम एप्पल में लाइट येलो कलर, लाइट ऑरेंज कलर हम फिलअप कर लेंगे। आप देख सकते हो ये यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है लाइट टोन पे। इस प्रकार मैंने लाइट टोन फिलअप कर लिया है। अब हम करेंगे मीडियम टोन फिलअप, जिसके लिए मैं ऑरेंज कलर का यूज़ करूँगा। हमें इन कलर्स को भी अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। अब हम एप्पल्स पे डार्क टोन ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने रेड कलर लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड करेंगे, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऐसे ब्लैक करना है। क्लॉथ पे हमें येलो कलर देना है। यहाँ पे साइड में थोड़ा पर्पल आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा ब्लू, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है शैडो, जो होता है बेस में। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ता है तो वहाँ पे शैडो भी क्रिएट होती है। तो जब तक शैडो हम बनाएंगे नहीं, तब तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन पे नहीं लगेगा, वो ऐसे फ्लोइंग ऑब्जेक्ट लगेगा। इसलिए हमें यहाँ पे शैडो देना इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो इस प्रकार शैडो दिखानी है। तो इस प्रकार ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टिल लाइफ को ऑयल पेस्टल से कैसे कलर करना है ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।